व्रत में इतना बढ़िया एकदम डिलीशियस क्रेप नी डोसा, इसे आप जो भी कहे, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, डिलीशियस लगता है, साथ साथ में पेट भी भरा रहता है। इसके अंदर जो हमने पनीर स्टिक की स्टफिंग की है, नो डाउट ये बहुत यमी भी लगता है। ये डिप के साथ ये पूरा का पूरा चीज़ जो है हमने नवरात्रि स्पेशल बनाई है, जो जो हम नवरात्रि में खाते हैं उसी से ही बनाई है। देही सौभाग्य आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जहम देही यशो देही दिशो जेही। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हमारा ये जो फूड चैनल है बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, और मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज ला के दूँ। नवरात्रि के पावन पर्व पर एक और रेसिपी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज हम बनाएंगे क्रेप्स। बहुत ही डिलीशियस भी होता है, सॉफ्ट होता है, हल्का भी होता है, लेकिन साथ साथ में पेट को भी भरता है। हम क्रेप्स में स्टफिंग करेंगे पनीर की, वो भी टिक्का के रूप में, जो फास्ट में भी खा सकते हैं। तो जल्दी से खाना घर पे बनाए चुटकी में, हम बने आपके प्यार से नवरात्रि के पावन अवसर पर एक और नई रेसिपी के साथ। तो चले फूड एंड पैशन के किचन में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव फैमिली सबके साथ ये चैनल को या लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा। आप सबका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इसी के साथ चलते फूड एंड पैशन के किचन में। तो चलते हैं, बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस यामी एकदम डिफरेंट रेसिपी। हम बनाएंगे तंदूरी पनीर स्टफ्ड ऑन क्रेप्स, और वो भी बनाएंगे पूरी नवरात्रि स्पेशल, जिसमें हम वही यूज़ करेंगे जो हम नवरात्रि में खाते हैं। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको ऐसे बड़े बड़े स्लाइसेस में, ऐसे थिक बड़े बड़े स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। आप पनीर घर पे भी ले सकते हो बनाकर, बाहर से भी ले सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। और अब इसमें हम, मैंने एक नींबू का रस लिया है, जो है पनीर के ऊपर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ अच्छे से। अगर आपका नींबू का रस कम पड़ता है तो आप डेढ़ नींबू भी यूज़ कर सकते हो, साइज़ लेमन का जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम अच्छे से जो है लेमन जूस से कोट कर देंगे। हमने जो पनीर को अभी लेमन में डाला है, लेमन जूस में, उसके लिए हम कुछ मसाला लेंगे। मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी का पाउडर। मैं इसमें ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून से कम, और इसमें मैं लूँगी भुना हुआ जीरा। अगर आप भुना हुआ जीरा व्रत में यूज़ नहीं करते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसमें मैं लूँगी बहुत ही कम 2 चुटकी गरम मसाला। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अदरक, ये मैंने घिस लिया है अदरक को, बारीक घिसा हुआ अदरक। और इसमें मैं डालूंगी बहुत ही थोड़ी बारीक चॉप की हुई हरे मिर्च। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें मैं डालूंगी सिंधा नमक जो हम व्रत में यूज़ करते हैं। स्वाद अनुसार इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और जो पनीर हमने ये लेमन वाटर में डाला था इसमें ये मसाले को हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। इसको हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, और इसको हाथों की हेल्प से इन मसालों को अच्छे से हम कोट कर देंगे। इसमें आप इवन पेपर, ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हो, काले मिर्च, जो मसाले आप व्रत में यूज़ नहीं कर सकते उनको आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसे उलट पुलट करके हम जो है सारे मसाले अच्छे से कोट कर लेंगे। इसको एक बार हम साइड में रख देते हैं ताकि ये मैरिनेट हो जाए। करीबन 5 से 7 मिनट हम इसको अलग कर देते हैं। अब हम तैयारी करते हैं हमारे डिप की। ये मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम दही को हंग कर लिया था, और ये देखिए खूब अच्छे से हंग हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। और इसमें अब हम मिलाएंगे, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने डाला है पीसी हुई चीनी,
और इसमें मैं डालूंगी बहुत ही कम सेंधा नमक। ये हम डिप रेडी कर रहे हैं और इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी। अगर आप कसूरी मेथी व्रत में नहीं खाते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च और इन सबको अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत ही क्रीमी चाहिए, बिल्कुल क्रीमी एकदम मिक्स। हमारा जो डिप है रेडी हो गया है, इसको हम रख देंगे थोड़ी देर फ्रिज में। ये मैंने वही ट्रे लिया है जिसमें हमने पनीर का मसाला डाला था मैरिनेशन के लिए। इसमें मैं डाल दे रही हूँ, ये समा के चावल का आटा है, समक चावल, समा चावल, जो भी आप सब इसको व्रत में हम खाते हैं। अगर आपको आटा मिल जाता तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता है तो आप समा के जो चावल है उसको अच्छे से एकदम पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए पाउडर फॉर्म में और ये ऐसे बन जाएगा। तो करीबन 1.5 टीस्पून जितना मैंने ये चावल लिया है और इस मसाले में मैंने अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो है हम अपना पनीर, ये है, इस पनीर को अच्छे से कोट करेंगे। इसको अच्छे से हम कोट कर देंगे और हर तरफ, हम चारों तरफ जो है ये कोटिंग इसकी करके इस ढंग से हम इसको एक साइड रख लेंगे। हम सारे पनीर को कोट कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस डिश है, आप नवरात्रि में ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे बड़े सभी को अच्छा लगेगा। साथ ही साथ ये पौष्टिक से भरपूर भी है। तो इसको इस ढंग से हम कोट कर लेंगे और सारे पनीर को हम कोट कर लेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। ये मैंने समा के चावल का आटा लिया है 1 कप। जैसे कि मैंने कहा, समा के चावल का, चावल को आप अच्छे से घर में ब्लेंड कर लीजिए और ये इस ढंग से आटा बन जाएगा। ये मार्केट में भी आटा उपलब्ध है। अब हम बैटर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने ले लिया है 1 कप समा के चावल का आटा। इसमें मैं डालूंगी सेंधा नमक स्वाद अनुसार, इसमें मैं डालूंगी अदरक बारीक कसी हुई और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाएंगे। बैटर, ये जो पानी हम डाल रहे हैं धीरे धीरे डालेंगे और बहुत थोड़ा डालेंगे, नहीं तो लम्स बन सकता है। तो हम बहुत कम पानी यूज़ करते हुए बैटर बनाएंगे। ये मैं धीरे धीरे पानी ऐड कर रही हूँ। हमें एक स्मूथ बैटर चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए। तो मैं इसको धीरे धीरे मिक्स करते हुए जो है पानी डालूंगी। हमें बैटर बहुत ही पतला चाहिए, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की, बिल्कुल पतला बैटर चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए हमारा बैटर रेडी है, एकदम पतला बैटर है। मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम पतला बैटर है। हमें बिल्कुल वाटरी बैटर चाहिए इसी तरीके से। इसको हम करीबन 5 मिनट साइड में रख देते हैं। 10 मिनट हमारे पनीर ने रेस्ट ले लिया है। ये मैंने पैन बिल्कुल गर्म कर ले रही हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून घी। घी हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आप घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हो, बट व्रत में मैं जनरली घी प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं ये काम घी पे कर रही हूँ। आप आराम से तेल की यूज़ कर सकते हो जो भी आप व्रत में खाते हो। अब एक एक करके जो ये पनीर है हम इस पैन में डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम में हम कुक करेंगे। हम इसको चारों तरफ पलट कर कुक करेंगे ताकि एक सुंदर सा कलर आ जाए इसमें। हम इसको रह रहकर थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे और इसको कुक होने देते हैं। जब थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम उसको पलट देंगे। एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये नीचे से कुक हुआ है कि नहीं, और अगर हो जाता है तो हम धीरे से जो है इसको ऐसे पलट देंगे। मैंने सारे पनीर को एक बार पलट दिया है। बहुत ही सुंदर भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। इसको हम कुक करेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा ताकि पनीर जो है खूब अच्छे से चारों तरफ से कुक हो जाए। हमारे पनीर को देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया है। ये दोनों चारों तरफ से अच्छे से कुक हो गया है। इसको अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और एक प्लेट पे निकाल लेंगे। ये हमने प्लेट पे निकाल लिया है और इसको साइड कर देते हैं।
मैंने एक प्लेट के ऊपर एक कपड़ा रख लिया है, इसमें हम जो है हमारी क्रेप्स को रखेंगे और उसको ढक देंगे ताकि हमारा क्रेप्स जो है कड़क ना बने, एकदम सॉफ्ट रहे। ये मैंने पैन को चढ़ा दिया मीडियम फ्लेम में, हमें एकदम गर्म पैन चाहिए। और ये ध्यान रखिए जो बैटर हमने बनाया है, ये बैटर में ना नीचे ऐसे जो हमारा समा का चावल है ऐसे जम जाता है, तो जब भी हम बैटर यूज़ करेंगे इसको अच्छे से हम मिक्स करते हुए करेंगे ताकि जो हमारा चावल है वो नीचे जमे नहीं। तो पैन को हम गर्म होने देते हैं, ये घोल को जो है हमारा जो बैटर है हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और ये एकदम गर्म पैन में बहुत धीरे धीरे ऐसे हम हमारा बैटर को जो डालेंगे। अगर आपका पैन छोटा है तो आप पूरा पैन को कवर कर सकते हो राउंड शेप में। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे हम डालेंगे और इस पर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। हड़बड़ी ना करें इसको उतारने की, नहीं तो ये जो हमारा क्रेप है टूट सकता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है घी डाली हूँ और इसको मीडियम फ्लेम में हम कुक होने देंगे और जब वन साइड कुक हो जाएगा तब धीरे से इसको जो है हम पलटेंगे। हम धीरे धीरे इसका जो एजेस है उसको ऐसे से धीरे धीरे हम स्क्रैप कर लेंगे। ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है, बहुत ही बढ़िया और हमें सॉफ्ट चाहिए। ज़्यादा देर कुक करेंगे तो ये हार्ड हो सकता है, तो बहुत धीरे से हम इसको अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे। ये देखिए मैं धीरे से इसको स्क्रैप कर ली, अब इसको अच्छे से पलट देंगे। पलट के सिर्फ थोड़े से सेकंड, कुछ सेकंड ही हम कुक करेंगे क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए। अगर हार्ड करेंगे तो जब हम पनीर की इसमें रोल बनाएंगे तो रोल नहीं होगा। तो इसको अच्छे से हम करीबन बहुत कुछ सेकंड्स के लिए हम कुक करेंगे और इसको हम इस ढंग से एक कपड़े में रख देंगे और ढक देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी क्रेप्स हैं वो हार्ड नहीं होंगे और सॉफ्ट रहेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा फिर बना लेंगे। ध्यान रखना हमें बार बार ये जो बैटर है इसको अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो नीचे जो हमारा समा का चावल है वो जम जाएगा और अच्छे से नहीं होगा। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर से मैं धीरे धीरे इस ढंग से डालूँगी। हमें इसको जाली फॉर्म में लेके आना है। ये देखिए अब इसमें हम फिर से डालेंगे थोड़ा सा घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने कहा व्रत में मैं थोड़ा सा घी प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ घी। इसको कुक होने देंगे, इसको हम पलट देंगे, फिर से कुछ सेकंड कुक करेंगे। इसी ढंग से हम सारे हमारे जो है क्रेप्स बना लेंगे। तो आइए अब हम असेंबल करते हैं हमारे नवरात्रि व्रत का बहुत ही स्पेशल, इसको आप नीर डोसा भी बोल सकते हो, जैसे कि मैंने कहा है कि ये अपने क्रेप्स हैं, तो इनको अब हम असेंबल करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इन सबको ढक के रखा था ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे, तो मैं एक नीचे से निकाल ले रही हूँ। ये मैंने पनीर इसके ऊपर रख दिया है, ये जो डिप हमने बनाया था वो हमने निकाल लिया है और इस डिप को जो है हम इसके ऊपर इस ढंग से स्प्रेड कर देंगे पनीर के ऊपर। ये डिप बहुत ही यमी लगती है, टेस्टी भी लगती है और हमारे क्रेप को जो है थोड़ा सा मॉइस्ट रखती है। देखिए हमने इसको कपड़े के अंदर रख दिया था इसलिए हमारे जो क्रेप है बहुत ही सॉफ्ट रह गए और इसी ढंग से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। मैं एक और नीचे से निकाल ले रही हूँ और इसको फिर से हम रखेंगे। इसके ऊपर मैं रखूँगी हमारी एक पनीर की पीस और इस पर मैं ऐड कर दे रही हूँ ये डिप। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, यमी है ये डिप हमारी। नीचे से फर्स्ट फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस ढंग से हम फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरीके से हम हमारे सारे क्रेप को रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों पेस है मेरी बहुत ही डिलीशियस, यमी, एक्सक्लूसिव हमारी ये रेसिपी नवरात्रि स्पेशल। आई होप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय माता दी।